वरुण गांधी ने उठाया ऐसा कदम, पूरा हिंदुस्तान आया एक फैसले के साथ। सैनिकों के सम्मान में वरुण गांधी मैदान में, देश के पहले नेता ने छोड़ी पेंशन। विधायक सांसद को नहीं मिलेगी पेंशन, वरुण की चिट्ठी से हिल जाएगा देश। पिछले कुछ दिनों से देश में एक सवाल है, जब देश के सैनिकों को पेंशन नहीं तो फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों? ये बात फेसबुक ट्विटर पर सबने लिखी, लेकिन जब बात आई खुद पर अमल करने की तो सब पीछे हट गए। यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष रह चुके वीके सिंह भी ये कदम नहीं उठा पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों के सम्मान के लिए वो नहीं कर पाए जो वरुण गांधी ने कर दिखाया है। जब कोई नेता देश हित में कदम उठाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वरुण गांधी देश के पहले नेता होंगे जिन्होंने अग्निवीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर अपनी भी पेंशन छोड़ दी है। ये एक शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में वरुण गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सबको मजबूर होना पड़ेगा। देश के हर नेता को पेंशन छोड़ने का ऐलान करना होगा और सदन में इसके लिए कानून लाना होगा। जो वर्दी में जाते हैं और ताबूत में आते हैं, अगर उन्हें पेंशन नहीं तो फिर नेताओं को क्यों? इसी भावना को समझते हुए देश के पहले सांसद का यह ऐलान आपका दिल जीत लेगा। अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है तो जन प्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? इस ऐलान के साथ सभी नेताओं के सामने एक विकल्प होगा, वो देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं या निजी हित के लिए सियासत में आए हैं। वरुण गांधी मॉनसून सत्र के दौरान ये मुद्दा सदन में उठाने वाले हैं। पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संसद में कानून बनाने और पेंशन छोड़ने की गुजारिश करने वाले हैं। ये सवाल ऐसा है जिससे वरुण गांधी का कद देश में बढ़ जाएगा। सेना में जाने वाले जवानों का कोई नेता होगा तो वो वरुण गांधी होंगे। ऐसा नहीं कि वरुण गांधी पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसके पहले करीब 10 सालों से वो अपनी सैलरी नहीं लेते हैं, कोई भत्ता तक नहीं लेते हैं। सैलरी और भत्ता वो उन किसान परिवारों में बांट देते हैं जिस परिवार से किसी ने आत्महत्या की हो। आज आप वरुण गांधी को बागी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई बागी अपने हक की बात ना करके देश हित की बात करे तो ऐसा बागी अच्छा होता है। सवाल उठता है कि जब देश में खर्च के दबाव में सैनिकों की नौकरी सिर्फ 4 साल की जा सकती है, पेंशन रोका जा सकता है, तो फिर नेताओं पर बेतहाशा खर्च क्यों नहीं रोका जा सकता? 2018 आरटीआई के मुताबिक एक सांसद पर एक साल में 72 लाख रुपए खर्च होता है, यानी 6 लाख रुपए महीना। 2014 से 2018 तक करीब 15.54 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। संविधान भत्ता 70,000, फर्नीचर भत्ता 1 लाख, दफ्तर का खर्च 60,000, यानी सैलरी मिलाकर करीब 75 लाख साल में एक सांसद कमाता है। देश बदलने का ठेका सिर्फ सैनिक क्यों ले, नेताओं को भी लेना चाहिए और वरुण गांधी की तरह आगे आकर पेंशन सैलरी छोड़नी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या पीएम मोदी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे देश में किसी नेता को पेंशन ना मिले? ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही सीट पर कई उम्मीदवार होते हैं और देश पर बोझ बढ़ता है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद लाल बत्ती पर प्रहार किया जिसका संदेश समाज में अच्छा गया। वरुण गांधी पेंशन खत्म करने के लिए जो चिट्ठी पीएम को लिखने वाले हैं उस पर फैसला सकारात्मक रहता है तो देश के बदलाव में हमारे नेताओं का एक सीधा योगदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।